बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी हदीस पाक लेकर आया हूँ जो गोश्त के हवाले से मतलब उसके फवायद पर मुश्तमिल है, जिसे यकीनन आप जब सुनेंगे या इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके एक तो नॉलेज में भी इजाफा होगा और दूसरे नंबर पर आप जब गोश्त को इन चीज़ों को यानी जो मैं अभी आपको इस हदीस पाक के तहत समझाने लगा हूँ इस्तेमाल करेंगे खाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे इंशाल्लाह आपका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो दुरूद व सलाम हो हमारे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो उससे आपको मैं जो इस हदीस पाक में बताने लगा हूँ वो बात ये है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, दुनिया और जन्नत के रहने वालों के खाने का जो सरदार है वो गोश्त है। इब्ने माजा की यह हदीस पाक है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं जो इसके खवास हैं, जो इसके फवायद हैं वो ये हैं, वो सीधा सीधा आपकी खिदमत में गोश्त गुजार करता हूँ। गोश्त जो है वो बदन को बढ़ाकर ताकत बख्शता है। गोश्त के फवायद जानवरों के हिसाब से मुख्तलिफ है, जैसा कि बकरी का गोश्त अच्छा खून पैदा करता है, बकरे का भी इसी तरह, और गर्म मजाजों के मुवाफिक होता है। टीबी हो जिनको और इसमें जो इसकी बात की जो कमजोरी होती है उसके अंदर आप यखनी मरीज को पिलाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसी तरह फाजल तिब्बा जो है, जो पुराने हुक्मा है उनका कौल ये है कि बकरी या बकरे के जिस वजू का गोश्त खाया जाए इंसान के उस वजू को ताकत हासिल हो जाती है, और गोश्त बतौर गजा जो है वो दवा के मुफीद है। खून और गोश्त को बढ़ाता है, वादी जो जिस्म में पैदा हो जाती है उसको दूर करता है, बदन को मोटा और शहवत को बढ़ाता है, मादा मनविया और चर्बी को पैदा करता है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक गोश्त में अज्जाए लहमिया यानी गोश्त व खून पैदा करने वाले अज्जा चर्बी, नमक और पानी होता है। गोश्त मैदे और आंतों में सब्जियों की तरह सादा तरीके से हजम नहीं होता, बल्कि गोश्त का प्रोटीन और चर्बी अजाए हजम पर काफी बार यानी जो है वो अपना असर डालती है। गोश्त को अमूमन खूब भूनकर मतलब पकाकर खाया जाता है। इस तरीके से इसके मकवी अज्जा जो है वो जल जाते हैं और विटामिन भी जाया हो जाते हैं, रोगनी अज्जा भी खत्म हो जाते हैं। आमतौर पर इस कमी को घी डालकर पूरा किया जाता है, लेकिन गोश्त के असली फवायद से फायदा उठाने का बेहतरीन तरीका वो मैं आपको आपकी इस वीडियो में लाजमन बताऊंगा ताकि आपको पता चले। तो नाज़रीन, वो ये है कि उबला हुआ गोश्त खाया जाए, या फिर बेहतर ये है कि पहले गोश्त को मसाला वगैरह लगाकर भून लिया जाए और फिर पानी डाल दें, गोश्त की सारी ताकत शोरबे में आ जाती है, इसलिए शोरबा जो है वो ज्यादा मुफीद होता है। गोश्त में साग सब्जी वगैरह डालकर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन ये भी एक याद रखिएगा बात कि गोश्त की कसरत से गुर्दों में जो यूरिक एसिड की ज्यादती हो जाती है ना, उसको गुर्दे चूंकि आसानी से खारिज नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको भी जरा खाते वक्त एहतियात में रखिएगा। और इसके अलावा नाज़रीन, हालिया तहकीक के मुताबिक ज्यादा मकदार में गोश्त खाने से कैंसर के अमकान भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है हमारी जो फिजिकली मतलब एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम हैं। तो मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा कि इतना खाएं जितना कि आप आसानी के साथ उसको अपने इस्तेमाल में आगे ला सकें। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर अमित भाटी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला एक और अच्छे और बेहतरीन टॉपिक पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि अपना हमें जो मतलब बीमारियों के हवाले से जो है ना डॉक्टर साहब जो आपके कोर्सेज वगैरह हैं वो शेयर करें या हमें बताएं, तो फिर हर बंदे को या हर मरीज को जो है ना फर्दन फर्दन बताने पड़ते हैं। तो काइंडली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस स्क्रीन शॉट में यानी आपको नज़र आ रहे हैं इस स्क्रीन पर, उसको आप हर बीमारी का जो कोर्स है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन का होता है, और उसको मंगवाने का तरीकाकार जो है ना वो ये है कि आप अपना मुकम्मल नाम और एड्रेस जो जहाँ पर आपको पट्टी में नंबर नज़र आ रहा होगा उसको फॉलो करें, और उस नंबर पर अपनी अलामत और कोर्स का नाम और अपना मुकम्मल एड्रेस वगैरह ये लिखकर आप व्हाट्सएप कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको मतलूबा कोर्स जो है जिस मर्ज़ का भी आप मंगवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला पोस्टमैन आपके पास पहुँचा देगा, और जब वो आपको देगा तब उसके अंदर ये होगा कि तरीका इस्तेमाल और परहेज़ का चार्ट वगैरह जो है उसके अंदर मौजूद होगा, और आप उसकी अमाउंट जो है ये आप उसको पे कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी होगी। आप पहले ना किसी को भिजवाएं, बस पोस्टमैन जब आए उसको पार्सल रिसीव करते वक्त पे कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह एक और टॉपिक पर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।